हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको ई वे बिल कैसे डाउनलोड कर सकते हैं आप। जैसे बिल होता है, आपको बिल भी डाउनलोड करना होता है। मैं आपको बताऊंगा कि आप बिल कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। वेट, पहले आप लॉगिन कर लीजिए अपनी आईडी जैम पे जाके। फिर ये आपको कैप्चा डालना पड़ता है, अभी कैप्चा डाल दें, पासवर्ड डाल दें अपना। उसके बाद ऐसा डिस्प्ले ओपन होगा, मार्केट डैशबोर्ड, ऑर्डर्स पे आपको क्लिक करना है, जिस ऑर्डर का आपको बिल डाउनलोड करना है। ऐसे देखिए, ये देखिए, यहाँ पे सारे ऑर्डर्स आपके आ जाएंगे। आपको किस ऑर्डर का बिल डाउनलोड करना है, मान लीजिए हमें इसका डाउनलोड करना है, तो आप व्यू डिटेल्स पे क्लिक करें और स्क्रॉल डाउन करें। अब देखेंगे यहाँ पे तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन आता है, पर यहाँ पे तीन ऑप्शन है देखो, कंसेंट मी वाइज, शिपमेंट वाइज, प्रोडक्ट वाइज। आपको हमेशा जब भी अपना बिल डाउनलोड करना है ना, ई वे बिल डाउनलोड करना है, आपको किसी पे क्लिक नहीं करना, आपको शिपमेंट वाइज पे क्लिक करना है। हमेशा आपको शिपमेंट वाइज पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको शिपमेंट वाइज पे क्लिक करना है। अगर आपको मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट डाउनलोड करना है कि आपसे क्या डिलीवरी, तो आप डाउनलोड कॉन्ट्रैक्ट पे क्लिक करें, कॉन्ट्रैक्ट डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे हो गया होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये हो गया डाउनलोड कॉन्ट्रैक्ट, इसमें सारी डिटेल्स हैं। कॉन्ट्रैक्ट डाउनलोड हो चुका है, कॉन्ट्रैक्ट आप यहाँ से कर सकते हैं अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट डाउनलोड करना है तो। अगर आपको ई वे बिल डाउनलोड करना है तो आप शिपमेंट वाइज पे क्लिक करें, स्क्रॉल डाउन करें, यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। देखिए, वेरीफाई डॉक्यूमेंट, डाउनलोड डिस्पैच स्लिप, डाउनलोड ई वे बिल डिटेल्स, रीजनरेट। अब डाउनलोड ई वे बिल पे क्लिक करेंगे, ओपन फाइल करेंगे, बिल डाउनलोड, कॉन्ट्रैक्ट देखना है आपको। मान लीजिए किसी का कॉन्ट्रैक्ट देखना है, आपको कॉन्ट्रैक्ट दिखाता हूँ मैं, आपको कॉन्ट्रैक्ट कैसा दिखता है। ये देखिए, ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसमें आपका सारा टर्म्स एंड कंडीशन लिखा रहता है कि बायर कौन है, कहाँ पे आपको देना है, सारा कंपनी का नाम क्या है, प्रोडक्ट का नाम क्या है, कहाँ पे देना है आपको प्रोडक्ट, स्पेसिफिकेशन क्या होनी चाहिए, आईएसआई, सारी स्पेसिफिकेशन वगैरह, टर्म्स एंड कंडीशन भी देखिए, टर्म्स एंड कंडीशन सब कुछ लिखा रहता है यहाँ पे। देखिए, आप ऐसे करके कर सकते हैं। और अगर आपको ई वे बिल करना तो इससे, और डिस्पैच स्लिप करनी है तो इससे। ये देखिए, ये डिस्पैच स्लिप हो गई आपकी, ये डिस्पैच स्लिप हो गई आपकी। और अगर आपको रीजनरेट करना है तो इस पर क्लिक कर दें। ये सिर्फ सिंपल प्रोसेस है, सारे ऑर्डर्स का सिंपल प्रोसेस है, ध्यान से देखें आप। सारे के सारे जो ऑर्डर्स हैं आपके, वो यहाँ पे आ जाते हैं। आप यहाँ से फिल्टर लगा सकते हैं और यहाँ से ही आप कर सकते हैं। पर हमेशा आपको एक बात का ध्यान रखना है, जो ऑर्डर पेड हो गया, जिसका टाइम चला गया, उसके बाद आप रीजनरेट नहीं कर सकते इनवॉइस को, रीजनरेट नहीं कर सकते। पहले ऑप्शन है, जैसे उसमें ऑप्शन था ना, देखिए इसमें ऑप्शन नहीं है वो, तो इस बात का ध्यान रखें। और हमें फर्दर डिटेल्स या कुछ भी चाहिए तो आप कमेंट डाउन कर दें। थैंक यू।